यार पहला स्टेप मेरा ये था किसी के अंदर काम करना जो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका है। तो इंदौर में एक बिजनेस कोच थे, बिजनेस कोच के अंदर मैं जॉब करता था। 6,000 रुपये पर मंथ मेरी सैलरी थी और 14 घंटे दिन के जॉब करता था। सुबह 9 बजे पहुँचो, 8 बजे पहुँचो, रात को 9-10 बजे निकलो। ऐसा कभी होता था कि सुबह सुबह पहुँचे ऑफिस, पता चलता था आज पोस्टर लगाने जाना है। तो गली गली जाके पोस्टर लगा देते, राइट, कि हमारा इवेंट आ रहा है, आना आप लोग। पता चलता सुबह जाके आज तो कॉलिंग करनी है, तो सुबह से कॉलिंग पर लगे। तो पहले 2 कॉल्स पे क्या सेल नहीं हुई, तीसरे कॉल पे किसी ने 6,000 रुपये दे दिए। लेडी में लेडी थी एक दुबई में, पूर्णी नाम की, उनने मुझे 6,000 रुपये दे दिए। आई वाज लाइक वाओ, किसी ने मेरी मंथ की सैलरी मुझे दी 3 घंटे काम के लिए। तो मेरी इनकम 5-6 करोड़ पे आ जाएगी पर मंथ पैसे, और आप बोलोगे ये क्या हो रहा है। फिर और पॉडकास्ट होंगे, फिर लोग बोलेंगे अब ये कैसे हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कोर्स नाम के लेवरेज को लेवरेज कर रहा हूँ। मैंने 5 करोड़ पर मंथ, 7 करोड़ पर मंथ वाली कंपनी से की, दोस्त है मेरे 8 करोड़ पर मंथ वाले, मेरी खुद की अपनी 2.5-3 करोड़ पर मंथ करती है, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ, दोस्त तो मतलब 23 की उम्र में वो 8 करोड़ पर महीना कर रहा है। अब वो किसी को बताता नहीं, और वो एडटेक में है, उसके ऐड सबको दिखते हैं, बट वो बताता नहीं किसी को। तो इसका मतलब अगर जो आज के मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो केवल कंसल्टिंग कंपनी से आपका कितना बन रहा होगा? 2.5 CR मंथ मिनिमम, 2.5 CR पर मंथ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि लाइक आपके बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे नहीं भी जानते हैं कि आप एग्जैक्टली क्या करते हो। उन्होंने थोड़ा सा आपके पॉडकास्ट देखे हैं, लेकिन कुछ नए लोग हैं शायद, कुछ नई ऑडियंस है जो आपके बारे में ज़रूर जानना चाहेंगे। सो हिमांशु अग्रवाल मेरा नाम है, 23 मेरी एज है, 3 दिन बाद मैं 24 का हो जाऊंगा, सो अभी 23 मेरी एज है, 24 ही लेके चलो। 3 कंपनीज है मेरी, एक कंसल्टिंग कंपनी है, एक सेल्स एजेंसी है और एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। कंसल्टिंग कंपनी में हम इक्विटी कंसल्टिंग, प्रॉफिट शेयरिंग कंसल्टिंग या वेरी हाई टिकट कंसल्टिंग में काम करते हैं। सेल्स एजेंसी में करीबन 190 से 200 एम्प्लॉयज़ हैं अभी जो काम कर रहे हैं, एंड ऑल आर कमीशन बेसिस, जिसमें हम बैकएंड कॉलिंग करते हैं उनके लिए। एंड सॉफ्टवेयर कंपनीज में हम 8 सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, 3 बन चुके हैं, 5 अभी डेवलपमेंट फेज में। किस चीज़ से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बिल्ड कर रहे हैं आप ये? यार सो हुआ क्या ना कि बहुत सारे लोग हैं जो एज अ कस्टमर्स हमारे आ रहे हैं, राइट, फ्रॉम लो टिकट टू हाई टिकट टू एवरी टिकट कस्टमर इज कमिंग। और हर कस्टमर एक नई प्रॉब्लम में कह रहा है कि अब मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा। अब उस पर हम ट्रेनिंग दे सकते हैं उनको, उस पर हम सिखा सकते हैं उनको, पर वो सिखाने में मेरा टाइम इन्वॉल्व है या मेरा एफर्ट इन्वॉल्व है। तो अगर मैं कोर्स से भी सिखा रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भी मेरा एफर्ट इन्वॉल्व है। और एक कोर्स को रिकॉर्ड करने में लेकर 10 घंटा गया, अब वो 10 घंटे की मेहनत करी, दिस इज माई टाइम। उस चीज़ से बाहर होने के लिए मैं सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा हूँ। सो बेसिकली अलग अलग चीज़ पे, से एक व्हाट्सएप मार्केटिंग का सॉफ्टवेयर है, एक बुकिंग के लिए सॉफ्टवेयर है, बुकिंग कॉल्स के लिए, एक आपका LMS है, तो ऐसे 8 सॉफ्टवेयर के सूट्स है जो बेसिकली हम देख रहे हैं हमारे कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हम धीरे 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 करके वो डेवलप कर रहे हैं एक एक सॉफ्टवेयर और लॉन्च कर रहे हैं धीरे धीरे, देखने के लिए कैसा रिस्पॉन्स आता है। ओके मुझे सबसे पहले ना ये जानना है कि आज तो जैसे आपने 3 कंपनीज बिल्ड कर ली और बहुत अच्छे से रन भी हो रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं माइंड में शुरू से रहा होगा कि मुझे कंपनीज, या एक जो इंसान का मिशन होता है शुरुआत से, तभी जाके वो उसी पाथ पे आगे बढ़ता है। स्टार्टिंग कैसे की आपको, कैसे ही लगा कि मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? यार पहला स्टेप मेरा ये था किसी के अंदर काम करना जो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका है। तो इंदौर में एक बिजनेस कोच थे, बिजनेस कोच के अंदर मैं जॉब करता था, 6,000 रुपये पर मंथ मेरी सैलरी थी। ओके और 14 घंटे दिन के जॉब करता था, सुबह 9 बजे पहुँचो, 8 बजे पहुँचो, रात को 9-10 बजे निकल रहे हैं। और ये किस एज की बात है, उस समय कितनी एज थी आपकी? मेरी 20 की उम्र मान लो आप, आज से 20 साल पहले, 3 साल पहले, 3.5 साल पहले मान लो आप। तो जॉब करता था मैं, बढ़िया जॉब, 6,000 रुपये महीना मिलता था, थोड़े इंसेंटिव मिलते थे सेल्स के ऊपर। तो जब शुरू शुरू में चालू करी थी तो 1,000 रुपये 2,000 रुपये इंसेंटिव मिलता था। 9 महीने के अंदर मैं उस इंसेंटिव को आप मान लो 40,000 रुपये भी लाया होगा पर मंथ। तो किसी के अंदर के काम क्या, जिसको मालूम था वो क्या कर रहा है, वो देखा समझा ये ऐसे चलता है, देखा कि चीज़ें ऐसी, कभी छोड़ने का इरादा नहीं था, बट जब आप एक लेवल पे पहुंचे, जब देखा कि इसके ऊपर हम ग्रो ही कर ही नहीं सकते, तब वो फिर छोड़ के खुद का चालू किया। अच्छा, बिजनेस कोच जहां आप जिसके अंडर में जॉब कर रहे थे, वहां बेसिकली आपका वर्क प्रोफाइल क्या था, मतलब क्या वहां से सीख रहे थे? जर्नलिस्ट, कॉपी राइटिंग, लैंडिंग पेज बिल्डिंग, सेल्स कॉल, हाई टिकट सेल्स कॉल, पब्लिक स्पीकिंग, क्लाइंट मैनेजमेंट, CRM, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, जर्नलिस्ट। मतलब यानी कि आपको सारी चीज़ों को मैनेज करना। मान लो मैं उनका EA हूँ, उनने जो भी बोल दिया कि भाई ये करना हो ठीक है, ये करना ठीक है, ये करना है ठीक है, मतलब इट वॉज नॉट लाइक कि आपका ये प्रोफाइल, आपको ये काम करना है। सुबह आता था, सुबह मालूम पड़ता था आज क्या काम करना है, पता चलता था आज मतलब आपको गली गली जाके पोस्टर लगाना है कि आपको ये करना है, तो एट एनी हाउ आपको रिजल्ट देना है, आपको चाहे करा के देना है, चाहे आपको खुद आता है तो खुद करके दीजिए, लेकिन आपको रिजल्ट देना है। हाँ, मैं सवाल पूछ सकता हूँ कि यार ये कैसे करते हैं, मुझे नहीं पता, आप सिखा दो, या कोई और है जिसको आता है ऐसा कुछ करके, बट एंड में मुझे ही वो चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, ये हमारा काम होता था। ऐसा कभी होता था कि सुबह सुबह पहुंचे ऑफिस, पता चलता था आज पोस्टर लगाने जाना है। ओके तो गली गली जाके पोस्टर लगा देते,
राइट, कि हमारा इवेंट आ रहा है, आना आप लोग। पर सुबह जाके आज तो कॉलिंग करनी है, तो सुबह से कॉलिंग पे लगे। सुबह के बाद चला आज तो 10 ईमेल भेजने, तो 10 ईमेल लिखने में बैठ गए। सो सुबह जाके मालूम पड़ता आज का नया चैलेंज है, जो कि एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ होती है कि हर रोज एक नई कहानी। तो सुबह उठते से ही आपको मालूम पड़ेगी क्या कहानी आज की। लेकिन नहीं, जिस समय आप जैसे वहाँ जॉब कर रहे थे और आप ये मल्टीपल सारी चीज़ें कर रहे थे, क्या आपने कोई टेक्निकल स्किल्स भी है लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, जैसे में बहुत सारी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं वेब डेवलपमेंट के लिए, हमें स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, या आप उनको हायर करते थे? भाई मैं ना स्किल डेवलप करने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं फाइंड करता हूँ इज द पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट टाइम पे ऐसा नहीं था कि किसी को भी हायर कर लो। अब लोग बात करें वेब डेवलपमेंट, तो मैं HTML CSS पढ़ने नहीं बैठा। विक्स नाम की जगह आती है और वेबसाइट बन जाती है भाई, कोई इतना महान काम नहीं है। आपको कॉपी राइटिंग करनी है तो भाई मैं बेसिक से सीख रहा हूँ, करते जा रहा हूँ कॉपी राइटिंग एक नॉर्मल नोट पैड के ऊपर। मेरे पास कोई कॉपी राइटिंग स्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर नहीं है, राइट। तो शुरुआत में जब रिसोर्सेज नहीं होते हैं, आप इतना ज़्यादा पैसा लगाना, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज पे ध्यान नहीं दे सकते, जो है भाई उसमें चलाना पड़ेगा, राइट। तो स्किल्स खुद डेवलप करी, खुद सीखी, खुद करा। टेक्निकल स्किल्स की बात करूँ तो कोडिंग साइड ज़्यादा नहीं जाना पड़ता था, क्योंकि वो बिज़नेस कोच थे तो कोडिंग का उनको क्या ही काम पड़ेगा। बट दूसरी टेक्निकल स्किल्स हो गई, जैसे हो गया आपका वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, जैसे आपका हो गया लैंडिंग पेज बिल्डिंग हो गया, फनल हो गया, ईमेल मार्केटिंग हो गया, तो वो डेवलप करी, वो वहाँ पे बैठ वो आप सीख सकते हो। मैं बस इसीलिए जानना चाहता था ताकि ऑडियंस को बिल्कुल क्लियर होते हुए चले कि लाइक बहुत सारे लोग बाद में क्वेश्चन कहते थे बहुत अच्छा लगा मोटिवेशन, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में ये क्या करते थे। सो अगर आप भी चाहते लाइक आपका पहला स्टेप था कि आपने एक जगह जॉब ली जहाँ आपको लगा कि यहाँ पे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ, और वहाँ पे आपने ये सीखा कि ट्रेनिंग ली, वहाँ पे आपने बेसिकली ये देखा कि चीज़ों को हैंडल कैसे करते हैं। करेक्ट, मतलब जॉब बोलना ऐसा हो जाता है कि मैं वहाँ जाता था काम करता था, नहीं मैं वहाँ जाता था सीखता था, लेकिन वो स्विच ऑफ माइंडसेट है मेरा, वो माइंडसेट कभी था ही नहीं कि मैं वहाँ जाके काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ जाके सीख रहा हूँ। ओके, ट्रेनिंग ग्राउंड है वो मेरा। ओके, फॉर समथिंग बिगर। सो नेक्स्ट स्टेप आपने फिर वहाँ से ड्रॉप कैसे किया? तो वहाँ पे थे, फिर थोड़ा वैल्यूज मिसमैच हुआ, मुझे सही नहीं लगा। उसके बाद ऐसा हुआ कि 6,000 रुपये मेरी सैलरी थी, तो मेरा ऐसा था क्या मैं 6,000 का क्लाइंट ला सकता हूँ खुद के लिए? मेरा ब्रांड जीरो है, मैं किसी और के लिए अभी तक क्लोज कर रहा हूँ, तो वो तो क्लोजिंग हो रही है, पर क्या मैं खुद के लिए क्लोजिंग कर सकता हूँ? तो वहाँ क्लोजिंग चालू करी खुद के लिए, तो पहले 2 कॉल्स पे गया, सेल नहीं हुई। तीसरे कॉल पे किसी ने 6,000 रुपये दे दिए। लेडी थी एक दुबई में, पूर्णी नाम की, उनने मुझे 6,000 रुपये दे दिए। वॉज लाइक वाओ, किसी ने मेरी मंथ की सैलरी मुझे दी 3 घंटे काम के लिए, और वो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज था, क्योंकि मैं ऐसा था कि अगर 6,000 दे सकता मतलब 8 भी देगा 10 भी देगा विद टाइम, पहली बात। दूसरा, मेरे को केवल 3-4 घंटे देने और मेरे को 6,000 मिल गए, तो मैं दिन का एक भी लूँ तो 1,80,000 होता महीने का, और मेरे लिए उसने 1,80,000 बस ऑब्नॉक्शियस अमाउंट, मतलब ऐसा अमाउंट कि ये देख लिया मेरे अमाउंट, तो मैं ऐसा हो जाऊँ क्या मजाक कर रहे हो, मतलब 1-2 लाख रुपए, मतलब ऐसा था। तो उस लेवल ऑफ थिंकिंग के हिसाब से वो अमाउंट बहुत बड़ा था। जैसे ही क्लाइंट क्लोज हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, तो मेरे पहले महीने मैंने कुछ 35,000 रेवेन्यू किया हुआ। लेकिन ये जो आप क्लाइंट क्लोज कर रहे थे अपने ब्रांड के लिए, आप उनको क्या सर्विसेज दे रहे थे? मैं उनको सर्विस दे रहा था उनके बिजनेस ग्रोथ की। तो लेट्स से कोई लाइफ कोच है, कोई बिजनेस कोच है, कोई रिलेशनशिप कोच है, तो मैं सिंपली कॉल पे जाता था उनके साथ। मैं फेसबुक पे ढूंढता था लोगों को जो ऐसा कुछ टाइप कर रहे कि आई वॉन्ट टू हायर दिस, आई वॉन्ट टू हायर दैट। मैं रीच आउट करता था, बोलता आई एम नॉट हियर टू गेट हायर्ड, बट मैं आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, कॉल पे आके बात करते हैं। वो कॉल पे आते, कॉल पे आके सीधा समझे कि भाई आई प्रोवाइड दिस, ऐसा ऐसा होता है, आपकी ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूँ, मनी बैक गारंटी, 6,000 रुपये आप दो। अगर आपको नहीं लगता कि मेरे को भरोसा नहीं था मेरी बात पे, अगर लगता है मैं नहीं कर पाता हूँ तो यार वापस ले लेना पैसे, सिंपल सी बात, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है कि मैं रिजल्ट ला पाऊंगा कि नहीं ला पाऊंगा। ठीक है, करेक्ट। तो चलने दिया वो, जैसा भी था। तो लोग आते गए, बिजनेस ग्रोथ की सर्विस दी कि आपकी मैं सेल्स बढ़ाने की कोशिश करूँगा, लीड्स जानने की कोशिश करूँगा, XYZ। हर किसी के हिसाब से अलग प्रॉमिस था, आज तो सिंपल प्रॉमिस है, उस टाइम पे चालू कर रहा था। तो कस्टमाइज करके सबको देते थे कि यार तुम्हारे लिए। लोग गैदर होना चालू हुए, और गैदर होना चालू हुए। अब बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हो गए विद टाइम, 3 साल। ओके, सो हैव यू फील एवर लैंग्वेज बैरियर टू क्लोज द सेल्स इन फॉरेन कंट्रीज? नहीं, मेरी इंग्लिश अच्छी रही है शुरू से। हाँ, मतलब नहीं, मैं क्योंकि उस पर काम किया नहीं कि मैं बचपन से पैदा हुआ इंग्लिश लिए, बट मेरे घर पर कोई इंग्लिश नहीं बोलता है, बट उस पर मेरा कमांड रहा है, मैंने उस लैंग्वेज को कभी छोड़ा नहीं। तो इट हैज़ बीन फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम वेरी अ लैंग्वेज दैट टाइम वेरी प्रोफिशिएंट इन, राइट। मेरा हाथ रहा है उस लैंग्वेज के ऊपर, तो लैंग्वेज मेरे लिए बैरियर नहीं बना, बट आई अंडरस्टैंड अच्छा लोगों के लिए बनता है। तो उसमें एक ही एडवाइस होती है भाई, मैंने लपक के मूवीज़ देखी है, लपक के सीरीज़ देखी हैं, किताबें पढ़ी हैं,
आप वो करते हो ना तो आप एक्सेंट कॉपी करना चालू करते हो लोगों का, राइट, विच इज़ की कोई एक्टर ने उस एक्सेंट में वो लाइन बोली आपको अच्छा लगा, आप रिपीट करोगे अपने साथ ही मन में करोगे, वो रिपीटेशन आपको उस लैंग्वेज में कब अच्छा बना देगा आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। नई वोकैबलरी मिलती है, नए वर्ड समझ में आते हैं, ये सब चीज़ें होती है। आप अगर इंग्लिश कंज्यूम करोगे तो इंग्लिश बोल पाओगे, वट एवर गोज इन गोज आउट। आप अगर तेल खाओगे तो भाई बाहर एनर्जी नहीं आ पाएगी, राइट। आप बॉइल्ड सैलड खाओगे तो शायद बाहर एनर्जी आ पाए, राइट। आप दिमाग में कचरा डालोगे तो कचरा मुंह से बोलोगे, दिमाग में डंकी चीज डालोगे तो डंकी चीज बोलोगे। सेम इंग्लिश का इंग्लिश कंटेंट डालोगे तो इंग्लिश बाहर आएगी, डालते ही नहीं तो बाहर आती नहीं, राइट। अच्छा, एक चीज़ और भी है कि लाइक अभी हम जो सेल्स क्लोज होने की बात कर रहे थे और ये हमने लैंग्वेज बैरियर की बात की कि जितना जो चीज़ आप अंदर डालोगे वही सोचोगे। बहुत सारे लोग जो सेल्स में हैं या जो देखते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, इवन आपसे भी लोग पूछते हैं कि हम अपना रेवेन्यू नहीं बढ़ा पा रहे हैं, मतलब सेल्स ही क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी सेल्स नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक ये जो आपने अभी एक ऑप्शन बताया कि आप जितना माइंड में प्रैक्टिस करोगे सोचोगे कि जैसे अगर मैं आपकी बात करूं तो आपके माइंड में आता था कि जैसे कोई आपको नया क्लाइंट मिला, अभी तक आपकी बात नहीं हुई है और आप माइंड में पूरी स्ट्रेटजी बना रहे हो कि नहीं इसे इस तरीके से ग्रीटिंग्स करना है, बात करना है, इसको सीधे ये वाली लाइन बोलनी है, पंच लाइन बोलनी है। करेक्ट, मैं रिसर्च कर रहा हूँ क्लाइंट के ऊपर, उसी फेसबुक प्रोफाइल लिंक्डइन प्रोफाइल खोल के बैठा हूँ, देख रहा हूँ कैसे सोचता है, क्या करता है, क्या आर्टिकल पढ़ रहा है, इसको लाइक क्यों किया या कमेंट क्यों किया, अच्छा ऐसे बोलता है, इंग्लिश के कमेंट है सारे, कोई भी हिंदी में कमेंट नहीं, अच्छा ऐसे बोलेगा मेरे को। सो आई एम थिंकिंग ऑल ऑफ दैट। और मैं कॉल पे आने से पहले आज तो नहीं करता मैं, मतलब आज तो 20 मिनट डील क्लोज करो बाहर हो जाओ। पहले जब क्लोजिंग चालू कर रहे थे 5,000 रुपये की क्लोज करने के लिए जान मार जाती थी, 1.5 घंटे की कॉल जाते थे और तब 5,000 रुपये का क्लोजिंग होती थी। तो उस टाइम पर वो 5,000 का क्लोज करने के लिए मैं 1 घंटा रिसीव करता था, 1.5 घंटे का कॉल लेता था, 3 घंटे की मेहनत कर मुझे 5,000 मिलते थे, बट दैट वॉज स्टिल वर्थ मी, क्योंकि मैं महीने भर में 6 कमा था, वहाँ मैं 5 घंटे की मेहनत करके 5 कमा रहा था। सो यस, रिसर्च करिए, सोचा स्ट्रैटेजी क्रिएट करिए, मन में डेवलप करें फ्रेमवर्क्स बिफोर गोइंग ऑन द कॉल। लोगों को लगता है ऑर्डर टेकिंग कॉल पे जाऊँगा उससे ऑर्डर ले लूँगा, नहीं, तुम्हें वहाँ जाके समझना पड़ेगा, समझने के लिए तुम अगर पहले समझ के जा रहे हो तो एक बेटर एडवांटेज है तुम्हारे पास कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर। लाइक हम छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करते हैं, हम भी करते हैं कि जैसे मैं किसी को पिच करता हूँ तो मुझे उसे कैसे ग्रीटिंग्स करना है, उसका इंटरेस्ट क्या है, या वो ज़्यादा स्पिरिचुअलिज्म में है या वो बहुत ज़्यादा बिजनेस है, तो उसे किस तरीके से मैसेज करना चाहिए। तो हर छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करने के बाद ही मुझे लगता है कि आपको एक रिसर्च करने के बाद ही किसी को अप्रोच करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है वो आपके कॉन्वर्सेशन को और आपकी सेल्स क्लोज करने को। लाइक ये हमने मतलब एक्चुअली में एक मुझे लगता है कि फंडामेंटल क्लियर किया कि हमने शुरुआत कैसे की और उसके बाद हमारा जो अपने लिए हमने सेल्स क्लोज करने की बात आई, उसके बाद ये जो आज आपने 3 कंपनीज खड़ी की हैं इतनी कम एज में, मतलब कि मैं बात करूं तो 3 साल में ही आपने इतना सब कुछ बनाया है। पहले इतनी कम ग्रोथ होने के बाद फिर थोड़ी थोड़ी ग्रोथ बढ़ी, लाइक 6,000 से 2,00,000 रुपए तक आप पहुंचे ऑलमोस्ट लगभग महीने तक, एकदम से फिर ये इतना बड़ा जंप कैसे आया? लेवरेज का गेम होता है भाई, मतलब लेवल्स ऑफ लेवरेज होते हैं। पहले मैं अकेला काम कर रहा हूँ, मेरे पास कुछ पावर नहीं है, सबसे पहले लेवरेज आया लेबर, लेबर यानी कि मेरी जगह 5 और लोग, तो मैं अकेला क्लोजिंग नहीं, 5 लोग क्लोजिंग कर रहे हैं, तो मेरी इनकम सीधी 5 गुना हुई, ठीक है, टेक्निकली 4 गुना मान लो अप्रॉक्सीमेटली। एक बार आपके पास ये आता है लेबर, तो आपका सेकेंड लेवरेज आता है कैपिटल, जैसे लेबर बढ़ा पैसा आया, पैसा आया कैपिटल बन गया। अब मेरा काम है केवल कैपिटल एलोकेट करना, ये इतना पैसा यहाँ लगाओ, इतना पैसा यहाँ लगाओ। जब हम नाश्ता कर रहे थे तब भी मैंने कॉल पे ही बोला था ना, 60,000 ये, 20,000 वो, इट्स बेसिकली एलोकेशन ऑफ कैपिटल, कि इतना कैपिटल इधर रखो, वाला कैपिटल वहीं रख दे दो, राइट। कैपिटल जब कस कैपिटल आता है तो आपकी ग्रोथ बहुत तेज़ी से हो सकती है, बिकॉज इन लाइफ यू कैन पे विद 2 थिंग्स, इधर यू पे विद मनी और इधर यू पे विद टाइम। एक पॉडकास्ट में मैं टाइम दे के पे कर रहा हूँ, राइट, इस पॉडकास्ट में आप भी टाइम दे के पे कर रहे हैं। हम कुछ भी दुनिया में चीज़ देखो उसमें या तो टाइम है या पैसा है, इधर यू कैन यूज मनी टू बाय द थिंग और यू कैन यूज टाइम टू बाय द थिंग, यू कैन गेट एनीथिंग इन द वर्ल्ड, इट्स मनी और टाइम, राइट। किसी को भाई इंदौर से चेन्नई जाना है, बोले मैं तो पैदल जाऊँगा, उसको टाइम से पे करना है, मुझे नहीं करना, मुझे पैसे से पे करना है और चेन्नई जल्दी पहुँचना है, राइट। सबका अलग अलग फिलोसफी है इसके ऊपर। तो सेकेंड लेवरेज कैपिटल है, जब कैपिटल आ जाता है तो आप टाइम ज़्यादा बचाने लगते हो और मनी पर ज़्यादा खेलने लगते हो। एक बार अगर पैसा आता है तो आपकी फिर ग्रोथ 4-5 गुना हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आपने पैसा इन्वेट किया। इसके बाद आता है थर्ड लेवल इज मीडिया, तो अब मेरे एक कोर्स की जगह मेरे पास 40 कोर्सेज थे जो 40 अलग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उस समय की आप बात बता रहे हैं? ये धीरे धीरे बता रहा हूँ, लाइक 6 महीने में टीम आई, 6-8 एक साल में कैपिटल आया, फिर 2 साल में कोर्सेज बनाया आपने, राइट। तो यूट्यूब कॉन्टेंट, इंस्टाग्राम कॉन्टेंट, कॉन्टेंट डालना चालू किया कॉन्टेंट। मैं ज़्यादातर कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ नहीं, मैं खुद को इन्फ्लुएंसर कॉन्टेंट क्रिएटर नहीं मानता हूँ, मैं प्रॉपर बिजनेसमैन हूँ। तो जो हम कोर्सेज रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कंटेंट हो गया, मीडिया हो गया। किस चीज़ से रिलेटेड कंटेंट रिकॉर्ड कर रहे थे आप? बिजनेस रिगार्डिंग,
बिजनेस के अलग अलग प्रॉब्लम्स, सेल्स, मार्केटिंग, ऑटोमेशन, डिलीवरी, माइंडसेट, व्हाटएवर, तो अलग अलग चीज़ों को लेके मीडिया नाम का लेवरेज कवर किया। मीडिया के बाद आता है कोड, तो अब मैं सॉफ्टवेयर में घुस रहा हूँ, जिस कोड हाईएस्ट लेवल ऑफ लेवरेज, तो मेरी इनकम 5-6 करोड़ पे आ जाएगी पर मंथ पैसे, और आप बोलोगे ये क्या हो रहा है, फिर और पॉडकास्ट होंगे, ये लोग बोलेंगे अब ये कैसे हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं कोड नाम के लेवरेज को लेवरेज कर रहा हूँ। तो अब कोड एक बार आ गया तो मुझे कभी काम ही नहीं करना, क्योंकि मेरे को कोडिंग आती नहीं है। डेवलपर काम करेगा, कोड को ठीक करेगा, कोड एक कोड 20 लाख लोगों की हेल्प कर सकता है। एक बार एक ऐप बन गया तो 20 लाख लोग आते हैं, राइट? तो मेरा पूरा एग्जिट हो गया गेम से। मीडिया में तो मुझे पूरा प्रोसेस आपने ऑटोमेशन में डाल दिया, कोर्स आपने एक बार बनाया, अब वो मार्केट हो रहा है, वो सेल आउट हो रहा है, वो अलग बात है। मतलब वो मीडिया है वो खत्म हो गया, मैं कोर्सेज सब सारे बंद कर रहा हूँ, अपने बंद कर चुका हूँ टेक्निकली। अब मेरे सिर्फ कंसल्टिंग प्रोग्राम चलते हैं विच आर वेरी हाई टिकट, आपको आना है आओ, नहीं आना थैंक यू सो मच, कोर्सेज बंद कर चुके हैं। उसके ऊपर आता है सैस, सैस इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। लाइक एक ये सबसे बड़ा मतलब जो बेसिक है, इतनी जल्दी चीज़ें आप छोड़ क्यों रहे हो बिल्ड कर करके, इसके पीछे क्या रीज़न है? बोर, आई गेट बोर्ड, आई टेक माई सेल्फ एज अ मैथ साइंटिस्ट, राइट? आई गेट बोर्ड वेरी इजीली। लाइक ओके, इंडिया में इफ यू आर बिल्डिंग कोचिंग बिजनेस, मैंने 5 करोड़ पर मंथ, 7 करोड़ पर मंथ वाली कंपनी देखी है, दोस्त है मेरे 8 करोड़ पर मंथ वाले, राइट? मेरी खुद की कंपनी 2.5-3 करोड़ पर मंथ करती है, ठीक है? और मैं बता रहा हूँ, दोस्त का मतलब 23 की उम्र में वो 8 करोड़ पर महीना कर रहा है। अब वो किसी को बताता नहीं और वो एड टेक में है, उसके ऐड सबको दिखते हैं बट वो बताता नहीं किसी को, राइट? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंडर कवर हैं। नाउ किसी को दिखाना होता, किसी को नहीं दिखाना होता, राइट? मैं दिखा नहीं रहा हूँ, मैं क्रेडिबिलिटी प्रूव कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको पता नहीं मैं कितना कमाता हूँ तो आप बोलोगे कैसे मुझे कंसल्ट करो, उसका बिजनेस अलग, राइट? तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या है, वो दिखाई नहीं दिखाई कोई फर्क पड़ता नहीं ऐसा खास। नाउ कोई दिखा रहा है, कोई नहीं दिखा रहा है, जो भी केस है, वो गेम यह है कि एक कोचिंग बिजनेस को इंडिया में इन अ पीरियड ऑफ 2-3 ईयर्स वेन यू यंग यू टेक टू मैक्सिमम $1 million अ मंथ, विच इज 7-8 करोड़ महीना, उसके ऊपर खींचना कोई सेंस वाली बात नहीं, यू आर इंक्रीजिंग योर स्ट्रेस। मेरी राय मानो तो टेक इट टू 4 करोड़ अ मंथ एंड डोंट गो ओवर बियॉन्ड दैट। एंड द सिंपल रीजन इज, उसके ऊपर जब आप जाओगे तो जो पैसा आप कमा रहे हो और जो स्ट्रेस आप गैदर कर रहे हो उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अभी कहा था मैंने इतना स्ट्रेस लिया, इतना पैसा आया, इसमें कहा था इतना स्ट्रेस लेना पड़ेगा तब भी इतना ही आएगा, तो वो मेरे हिसाब से मतलब मैं ऐसी लाइफ जीता हूँ कि आई डोंट लाइक दैट मच स्ट्रेस। इसीलिए मैं वो मार्क हिट कर चुका हूँ और मेरे लिए ऐसा है अब क्या खत्म हो गया, तो कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर एक्सप्लोर करने के लिए, चीज़ें सीखने को है बट इट्स नॉट कि वो मेरे को वो आहा मोमेंट दे देंगी या वो मेरा पर्सपेक्टिव ही चेंज कर देंगी, तो इसलिए नेक्स्ट जो कि सेल्स। अच्छा, सेल्स क्लोज करते 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 ये कब रियलाइज हो गया आपको, ये कंपनी में बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ कि अब मुझे कंसल्टिंग सर्विसेज, कंसल्टिंग की कंपनी खोलनी चाहिए? सो ये पहले एक कोचिंग कंपनी थी, फिर हम कोर्सेज में आए और अब हम कंसल्टिंग कंपनी, तो ये सेम कंपनी पिविट हो रही है। वही हाँ वही मेरा पॉइंट था कि जो 3 कंपनीज की आपने बात की, उस दिन मैं सोच भी रहा था कि कहीं ना कहीं जो आपका एक्सपीरियंस है और आपने बहुत टाइम से सोच भी रखा होगा, उसी की वजह से आपने फिर इसको शुरू किया कि लाइक इफ आई कैन हेल्प समवन। हाँ, तो 3 अलग अलग कंपनियां हैं और तीनों की जर्नी अलग अलग है। हाँ। तो ये पहली कंपनी में 4 बार पिविट किया होगा तब जाके हम कंसल्टिंग कंपनी खुद को आप बोल सकते, पहले नहीं बोल सकते कि हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, फिगर आउट कर रहे क्या चल रहा है। तो इसका मतलब अगर जो आज के मैं रेवेन्यू की बात करूं तो केवल कंसल्टिंग कंपनी से आपका कितना बन रहा होगा? 2.5 CR मंथ मिनिमम, 2.5 CR पर मंथ। और एक ये हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है, इसका समथिंग अराउंड कितना होगा? यार इसको भी चालू किया, 3 सॉफ्टवेयर लॉन्च हुए, आप मान लो यार 3-4 लाख रुपए होगा इसका, 3-4 लाख रुपए महीना। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपकी कंपनी में जो एक तो आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है और एक होती है ऑल ओवर द कंपनी की ग्रोथ, आपके लिए प्रायोरिटी क्या है? मेरे लिए कंपनी ग्रोथ प्रायोरिटी हो चुकी है, पर्सनल ग्रोथ मुझे पता है मैं खुद कर लूँगा, आई डोंट नीड एनीवन टू बी अकाउंटेबल मी विद मी, राइट? तो कंपनी ग्रोथ मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती है रादर देन पर्सनल ग्रोथ। वाई? बिकॉज एक टीम 200 लोगों की मेरे ऊपर डिपेंडेंट है एंड देयर फैमिली इज मोर इम्पोर्टेंट देन मेरी पर्सनल ग्रोथ, राइट? उनका घर चले, उनकी फैमिली खुश रहे, वो खुश रहे, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन मैं अपनी लाइफ में कितना ग्रो कर पाई, क्योंकि मैं खुद ग्रो कर लूँगा मुझे मालूम है, अब मैं उससे टाइम निकाल लूँगा, बट मोर इम्पॉर्टेंट इज कि वो 200 लोग जिन्होंने मेरे भरोसा किया है, वो 200 लोगों की ग्रोथ। आपके अंडर में ये जो 200 पीपल्स या उससे भी ज़्यादा लगभग जितने भी लोग हैं, सारे सैलरी बेस्ड हैं या फिर कुछ कमीशन बेस्ड हैं या कुछ परसेंट? नहीं नहीं, इसमें 90% कमीशन बेस्ड है, 10% सैलरी बेस्ड है। 10% मेरे को मॉडल बहुत लाइट चाहिए क्योंकि मैं 200 लोगों को सैलरी दे रहा हूँ और किसी मंथ कुछ हुआ, फॉर एग्जाम्पल कोविड आ गया तो मैं खत्म,
क्योंकि मैं अपनी जेब से पैसा दे रहा हूँ फिर, राइट, विच इज़ नॉट अ गुड बिजनेस आइडिया. सो मैंने कमीशन बेस चलता है, ये इतनी क्लोजिंग करो, इतना परसेंटेज ले जाओ. तो वो कुछ होंगे 190 लोग, 20 लोग कुछ सैलरी पे होंगे, और वो 20 लोगों को मैं लाइबिलिटी ले सकता हूँ कि भैया मेरी कंपनी में इतना कैश रिजर्व है कि एक साल तक कोई पैसा नहीं आ रहा कंपनी में, तब भी ये लोगों की सैलरी जाएगी बिना कोई टेंशन के, बिना कोई टेंशन. बाकी लोगों की मैं नहीं ले सकता, तो वो कमीशन बेस के ऊपर है. 190 लोग जो सेल्स की जॉब करते हैं, एंड उसमें कुछ लोग ऐसे जो 1.5 लाख रुपये का भी कमीशन उठाते हैं पर मंथ. 18 साल के लड़के 1.5 लाख रुपये का उठाते हैं. आई थिंक अभी हम लोग इसी चीज़ पे बात कर रहे थे, और इंदौर में ही आपके लगभग 3 घर हैं, राइट, और आप रह सकते हो जबकि एक जगह. तो फिर ये दो आपने इतना किस पर्पज से, किस मोटिव से आपने ये लिया? यार ये जो घर जिसमें अपन बैठे से पॉडकास्ट कर रहे हैं, ये था टीम के लिए, क्योंकि जो सैलरीड वाले, जो मेरी कोर टीम है, जो मेरे CEOs हैं, जिनको मेरे मॉनिटर करता हूँ, तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, कौन दोस्त है तुम्हारे, क्योंकि मेरे CEOs की एज ज़्यादा नहीं है, 21 साल की, 22 साल की, जो मेरी पूरी कंपनी 150 लोगों की कंपनी चला रहा है, राइट. अब जो वैशाली नाम की लड़की है, वो 150 लोगों की कंपनी चला रही है बैक एंड क्लोजर्स, अब 20 साल की है. मतलब आपका जो संगत है वो मैटर करता है, तो आप किस एनवायरमेंट के बीच में, वो मॉनिटर करने के लिए दिस इज़ द प्लेस. तो मेरे टीम मेंबर यहाँ पे रहते हैं, 3 BHK फ्लैट है यहाँ पर, UFC, राइट, पूरा. तो यहाँ पे 6-7 टीम मेंबर आ सकते हैं आराम से. एक घर है मेरा शिव वाटिका में, वो 2 BHK, वहाँ पे भी कुछ टीम मेंबर्स का भी लेते हैं. मेरा घर है एक अलग, एक मॉम डैड का घर है, तो मैं रोटेट करता रहता हूँ, और ज़्यादा मैं इंदौर में रहता ही नहीं, मैं बाहर ही रहता हूँ, ट्रैवल कर रहा होता हूँ या कुछ. तो जब भी मैं आता हूँ, मैं देखता हूँ एक एक घर में एक एक बार तो रूटीन मारी. एक सबसे बड़ा जो आपका लास्ट पॉडकास्ट आया था ना, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे कि हर कोई बताने आ जाता है अब तो इंटरनेट भी, मतलब कपड़ों को लेके बहुत ज़्यादा, कि लाइक हमने भी बात कर रहे थे कि अरे अगर इतना पैसा है तो फिर ऐसे क्यों बैठा है, मतलब उसको लेके, उस माइंडसेट को, या जब इस तरीके का कमेंट्स कहीं ना कहीं आप भी देखते हो, कि क्या लगता है, मतलब हंसी आती है उन पर, या आपको क्या फील होता है? दया आती है. अगर मैं अभी क्या लोअर टी शर्ट में बैठा हूँ भाई, राइट, ब्रेकफास्ट अभी हमने साथ में किया, उठा मैं, अब मैं क्या रईस हूँ तो थोड़ी ना भाई मैं गुची के उसमें ही उठूंगा, जरूरी थोड़ी ना है भाई. आई थिंक दैट मनी शुड बी रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट, नॉट इन पर्सनैलिटी. क्योंकि जब पर्सनैलिटी में आता है तो ईगो आ जाता है, राइट. तो मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड में भाई लोअर टी शर्ट पहना हूँ मैं, ठीक है, वेस्ट साइड पर मिल जाता है ये तो कोई भी ले सकता है, मतलब कोई इतनी बड़ी खास बात नहीं है. सो अगर मैं ये पहन के बैठा हूँ और उससे कोई मुझे जज कर रहा हूँ, मुझे दया आती है, क्योंकि वो बंदे की मानसिक स्थिति वहाँ पहुँची नहीं है कि वो समझ पाएगी शायद कपड़ा ही सब कुछ नहीं होता, या जो दिखा रहा है वही सब कुछ नहीं होता, और शायद जो दिखा रहा है उसके पास सही में है नहीं. क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ इस इंडस्ट्री में जो दिखाते हैं बट है नहीं, मेरे मेरी स्टूडेंट्स हैं या मुझसे सीख रहे, बात भी कर रहे थे. सो मेरी स्टूडेंट्स हैं, मतलब मेरे को तो उनकी फाइनेंस शीट पता है, मैं उनको कंसल्ट करता हूँ, राइट. तो इट्स लाइक कि वो दिखाते हैं बट नहीं है, जिसके पास है वो बिल्कुल नहीं दिखाता. सो इट्स लाइक वो ऑपोजिट वाला गेम ही है, और जो समझ नहीं पाया उसके लिए मुझे दया आती है, इट्स नॉट हंसी वसी बट दया, कि तुम्हारी मानसिक स्थिति वो पहुंची नहीं है कि तुम समझ पाओ ये गेम क्या चल रहा है. एक एक मेरा जो सबसे मेजर क्वेश्चन था कंसल्टिंग कंपनी को लेकर, इवन आपको लेकर, कि आप ऐसा क्या कंसल्ट करते हो, और आपको कैसे रियलाइज होता है कि ये जो कंपनी है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी, ये इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है, और आप उनकी वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व आउट करते हो? सबसे पहले कंसल्टिंग को समझना ये जरूरी है कि सारे बिजनेस सेम होते हैं, और उसमें भी एक नीश होती है. तो मेरी नीश है ऑनलाइन बिजनेसेस, ऑनलाइन बिजनेस में भी जो डिजिटल प्रोडक्ट या सर्विस में है. अगर आप बोलोगे मेरा ई कॉमर्स बिजनेस ग्रो कर दो, मैं मना कर दूंगा, आई डोंट कंसल्ट. सर्विस बेस्ड बिजनेस या डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस ऑनलाइन, उसको मैं कंसल्ट करता हूँ. अब जब मैंने नीश स्पेसिफाई कर दी, तो हर बिजनेस एंड में मेरे लिए सेम है. क्या होता है, एक मार्केटिंग होता है, लीड्स कैसी है, एक सेल्स होता है, सेल कैसे हो रही है, और एक डिलीवरी होता है, ऑपरेशंस जो भी हो रहा है. अब इसको सपोर्ट करने के लिए 4 पिलर आ जाते हैं, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, एक मैनेजमेंट होता है, एक फाइनेंस होता है, एक HR होता है. इसके अलावा क्या होती है कंपनी, कुछ भी नहीं होती है. सिंपली बस बेसिकली देखो कि इस कंपनी को, जब मेरे पास आई कोई कंपनी, ये वो खुद बताया भाई प्रॉब्लम क्या, बोलेगा लीड्स मेरी प्रॉब्लम है. ओके, अब तुम मार्केटिंग को गोला मार दो कि भाई इसकी प्रॉब्लम ये है इसके हिसाब से. नाउ बट आई सिंपली सी इज आई सिंपली आस्किंग कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारा सेल्स क्लोजिंग परसेंटेज क्या है, 5%. तुम्हारा डिलीवरी ऑपरेशन ऑन टाइम डिलीवरी क्या है, 95%. HR सही है, ये ठीक है, वो ठीक, कोई बात नहीं. अब मैं सेल्स करूँगा 5%, कितने का प्रोडक्ट है, बोले 100 रुपये का. ये तो तेरी दिक्कत है, 100 रुपये का प्रोडक्ट बेचने तेरा केवल 5% का जनरेट है. तो उसको ऐसा लगता है कि सॉलिड आती है, 5 कन्वर्ट करता हूँ, 500 रुपये कमा पाता हूँ. तो लीड मेरे को 1000 चाहिए, इसे 5000 कमाओ. कन्वर्जन रेट ज़्यादा चाहिए भाई, राइट राइट. अब ये बिजनेस वो नहीं सोच पाता है, ये मेरा काम है सोचा,
कॉमन सेंस होता है कंसल्टिंग का गेम, पूरा बिजनेस देखो, वो उसके साथ जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं है, वो सिम्टम है किसी प्रॉब्लम का। तो सेल्स कन्वर्जन रेशियो एक प्रॉब्लम है, इसका सिम्टम मार्केटिंग है। जो उसको देख के आ रहा था वो बोल रहा है यार ये हो रहा है, एप्पल खराब है, एप्पल खराब नहीं है, जड़ में वो दिक्कत है, राइट। वो सोचता है मैं एप्पल पे पानी मारूँ एप्पल ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं जड़ पे पानी मारना है तो एप्पल ठीक होगा, राइट। एप्पल पे पानी मारने से कुछ नहीं होने वाला है। एंड सेम बिजनेस में होता है, वो एप्पल पे पानी मारता है नहीं, उससे समझो एप्पल हुआ क्यों, अच्छा वो सिम्टम है, प्रॉब्लम क्या है सिम्टम की, ये उस पर जड़ पे पानी मारो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अभी तक आपने मोस्टली कितने टॉप ब्रांड्स को कंसल्ट किया होगा, मैं चाहूँगा कुछ नाम भी अगर आप बताना चाहें तो प्लीज़। NDA साइन होता है, प्रॉब्लम ये होती है, तो आई कैन नॉट टेक मच नेम्स, बट फिर भी नहीं देता हूँ। मैंने मिश्र वेदा को किया है, मैंने टाइग मैंगो को किया है, मैंने LIC को किया है, मैंने इसका नाम ले सकता हूँ, पेविया का नाम ले सकता हूँ मैं, और किससे NDA साइन नहीं है मेरा, ये चार के नाम ले सकता हूँ, बाकी ये नहीं ले सकता। समझ गया, लेकिन भाई LIC तो सही चल रहा है, LIC को आपने ऐसा क्या कंसल्ट किया कि अंडरस्टैंड दिस दैट व्हेन आई गो एज अ कंसल्टेंट आई डोंट गो टू कंसल्ट द होल LIC। LIC का एक रीजन में एक फ्रेंचाइजी में एक प्रॉब्लम कोई चल रहा होगा, आई गेट हायर्ड फॉर दैट। मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, बोलते हो अरे पूरे रीजन की कर दो, अरे पूरे स्टेट की कर दो, अरे पूरे इसकी कर दो, राइट। वो लेवल आपका डिपेंड करता है कि आप कैसे करते जाते हो। ऐसे नहीं होता पहले दिन से वो बोलते हैं काम को पूरा LIC कंसल्ट करो, भाई कितनी बड़ी रिस्क होगी, वो सिंपली बोलते हैं यार हमारा ये इतना बड़ा है इसमें से ये चीज़ आप सॉल्व करके देखो आप कर सकते हो, वो कर दी तो दूसरी देंगे तीसरी देंगे चौथी देंगे एंड देन इट ग्रोस फ्रॉम देयर। तो मेरे को जो पहली प्रॉब्लम मिलती वो थी सेल्स क्लोजिंग कन्वर्जन रेट, विच इज़ जो कॉल पे आ रहा है या जो मीटिंग हो रही है उसमें कन्वर्जन रेट बढ़ाना है, विच इज़ नथिंग फॉर मी, बैठ के सॉल्व कर दी। ये 6,000 rupees पर मंथ से और ये लगभग ऑलमोस्ट 2.5 crore पर मंथ तक पहुँचने में मतलब आपको क्या लगता है कि जितना आपने एफर्ट्स दिए हैं, जितना आपने समय दिया है, दोनों चीज़ें, इसमें आपका लक फैक्टर कितना है और आपको ऑल ओवर कितना टाइम लग गया? बोलो तो 100% लक है, समझाता हूँ कैसे। भाई आज आप पॉडकास्ट लेने आ रहे थे, मेरी आँख खुल गई, लक है, मैं जिंदा हूँ, लकी है, मतलब इट्स लाइक 100% लक, राइट। बट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लक इंक्रीजेज ऑन हाउ हार्ड यू वर्क एंड हाउ कंसिस्टेंट यू आर, राइट। हो सकता था मैं आज से 1 साल पहले क्विट कर देता क्योंकि मेरी हालत उस टाइम बहुत खराब हुई थी, जब मैंने कंपनी चालू हुई उसके 1 साल के अंदर मेरी हालत बहुत खराब हुई। अच्छा, तो मेरी हालत खराब है क्विट कर सकता था ना, क्यों क्यों हालत क्यों, क्योंकि एजेंसी से हायर किया वो पैसा लेके भाग गई, फेसबुक एड जो पैसे अटक गए 50,000, अरे तो मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, बट स्टिल आई वॉज लाइक नो आई विल बी कंसिस्टेंट, आई विल बी पुटिंग एफर्ट्स इन टू दिस थिंग, भले ये काम नहीं करती मेरे लिए। अब वो हार्ड वर्क की वजह से वो लक अनफोल्ड होता गया कि क्योंकि दूसरों के साथ भी हुई होगी, उनने छोड़ दिया मैंने छोड़ा नहीं, तब लोग बोलेंगे भाई लकी हो गए, ठीक है, बट मोर कंसिस्टेंसी मोर हार्डवर्क क्रिएट्स मोर लक। हार्डवर्क कंसिस्टेंसी इज लाइक बेसिक, वो तो करना ही है, वो तो अनडाउटेड करना ही करना है, वो उसका तो कोई क्वेश्चन, मैं कितना हार्डवर्क करूँ बेवकूफ सवाल, ठीक है, उसका तो कोई क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन कितने टाइम तक, जितना टाइम तक कर पाओगे उतना लक फैक्टर बढ़ता जाएगा, इससे आज मेरा लक फैक्टर और ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या हो सकता है भाई, अब मेरे कॉन्टैक्ट्स इंडस्ट्री में, मैंने कॉल किया है मुझे ये चाहिए अभी करवा देते हैं, अभी एक क्रिएटर्स कार्निवल हो रहा है 30 अप्रैल को दिल्ली में, जिसमें सारे यूट्यूबर्स आ रहे हैं, मैं कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं, 20 सब्सक्राइबर मेरे, तो टेक्निकली मुझे अलाउ नहीं होना चाहिए इसमें, सारे बड़े आ रहे हैं, पर मैं फ्रंट सीट पे बैठ रहा हूँ जहाँ पे क्रिएटर्स की बड़ी क्रिएटर्स की फैमिली बैठी है। अरे हिमांशु लकी है, लकी नहीं है, 1 साल 6 महीने पहले कंसल्ट करना चालू किया था बड़े यूट्यूबर को, उसकी वजह से दूसरे यूट्यूबर्स आए, अब बहुत सारे यूट्यूबर्स मेरे क्लाइंट है, सो नाउ दे वॉन्ट आई शुड कम इन द इवेंट, तो वो उधर कंसिस्टेंट हार्डवर्क करा रहा तो ये लक मिला। अभी बहुत सारी चीज़ें मतलब बेसिकली जहाँ तक मुझे लगता है अभी तक तो हमने जर्नी पर ही बात की आपकी, स्टार्ट कैसे किया, बहुत जल्दी बोर हो जाते हो आप चीज़ों से, इतना तो मुझे समझ में आ गया आपके साथ बैठकर बात करके। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ यू सी द मार्केट, चेंजेस कैसे देख रहे हो, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे आपको डर लग रहा है कुछ ना कुछ? AI से मुझे कुछ ज़्यादा ही डर लग रहा है क्योंकि पिछले 1 महीने में मेरी टीम 5 सॉफ्टवेयर डेवलप कर चुकी है जिनको कोडिंग का A to Z नहीं पता, 5 सॉफ्टवेयर बना चुकी है मेरी टीम, 3 जने मेरी टीम में, श्रुति भावेश और सागर मिलके 5 सॉफ्टवेयर बना चुके हैं जिन्होंने आज तक कोडिंग टच नहीं करी AI के उस पर, 4 GPT ओनली, GPT-4 भी नहीं,
तो ये देख के मुझे डर था कि ये तो मेरे को भी नहीं आता है राइट मतलब ये तो कभी कोडिंग जानते नहीं, इसको कोडिंग आती वो क्या करेगा, कि उसको समझ में आता है कैसे चलता है। दैट्स अ फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, ए आई का प्रोग्रेशन जितना फास्ट है उतना फास्ट कोई चीज़ अभी हो नहीं रही है, और जो चीज़ बहुत फास्ट होती है वो मोमेंटम में होती है, जो चीज़ मोमेंटम में होती है वो चीज़ें तोड़ देती है। जैसे जैसे एक ट्रक है वो 20 की स्पीड चल रहा है तो एक बड़ी दीवार को रोक देगी, एक ट्रक है जो 200 की स्पीड जा रहा है उसके सामने एक बिल्डिंग होगी तो शायद वो बिल्डिंग चक्का तो देगी उसको, समझ रहे हो। तो एक मोमेंटम इतना ज़्यादा है कि वो शायद उसको तोड़ते हुए निकल जाए उस चीज़ पर, आइडिया, वरना उसके सामने एक छोटा घर आएगा तो उसको तोड़ते हुए निकल जाएगा ट्रक, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। सो इट्स अ सेम केस विच इज़ लाइक इसका मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा है, तो ये चीज़ मुझे डर लग रही है। एंड अभी मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे से घुसा हूँ, आई एम रीडिंग प्रॉम्प्ट्स, आई एम लर्निंग प्रॉम्प्ट्स, आई एम ट्राइंग प्रॉम्प्ट्स, मैं ट्राई कर रहा हूँ उसमें कैसे अच्छा बन सकता हूँ। अभी हम एक GPT को लेकर एक सॉफ्टवेयर भी क्रिएट कर रहे हैं, इज़ अ ईमेल GPT, उसका नाम रखा है इंकवेल। सो जो सॉफ्टवेयर है उसमें एक कंपनी है इंकवेल, सो इंकवेल का गेम क्या है कि हम GPT बेस्ड ट्रेंड डेटा आपके ईमेल का आपके ईमेल को देंगे। इमेजिन योर जीमेल गेट्स ऑटोमेटेड। इसका सिंपल मतलब ये कि मेरा टाइम, क्योंकि मैं कमा रहा हूँ, मेरा ज़्यादा टाइम जीमेल पे आता है, जो नहीं कमाता उसका इंस्टाग्राम स्नैपचैट पे आता है, तो मेरे सारे दोस्तों के पास सबका जीमेल पे टाइम जा रहा है दिन का 2-3 घंटा। तो उसके लिए व्हाट वी आर डेवलपिंग इज आपका ईमेल, जो पिछले 15 साल का डेटा है उसमें, जो मेल्स आए, जो मेल्स गए, जो भी हुआ, उस पूरे डेटा को उठा के हम AI में पटकते हैं। AI वो डेटा को प्रोसेस करता है और समझ लेता है व्हाट यू आर एज अ पर्सनैलिटी, सो क्रिएट्स अ पर्सन ऑफ यू, एंड देन यू कैन सेट टू राइट द होल ईमेल एज अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द AI। तो आप ईमेल देखा, इसका रिप्लाई करना, क्लिक किया स्टार्ट, वो पूरा ईमेल आपके लिख देगा। एंड देन यू कैन चेंज, इसको थोड़ा फनी बना दे, इसको थोड़ा अब्यूसिव टोन बना दे, इसको थोड़ा गुस्से वाली टोन बना दे, यू कैन चेंज दैट आप, और पूरा ईमेल आपके लिए चेंज कर देगा, पूरा ईमेल वही लिख देगा। एंड यू जस्ट क्लिक ऑन सेंड, एंड योर होल ईमेल गेट्स लाइक ChatGPT, जैसे आप ChatGPT को प्रॉपर क्वेश्चंस दो या आप प्रॉपर उसको इनपुट दो, आपको आंसर देता है। यहाँ पे वो आपका ईमेल लिख रहा है पूरा, आपकी टोन में, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स में, आपके राइटिंग स्टाइल। ओके, क्योंकि अभी जिस तरीके से कंपनीज देख रही हैं बहुत तेज़ी से, जो अब मतलब अपनी टेक्नोलॉजी को स्विच कर रही हैं, तो आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी इस टेक्नोलॉजी पर आपकी कंपनी को या आपको आपको स्विच करना पड़ेगा? स्विच हो चुके हैं। ओके, करना नहीं पड़ेगा, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ शुड यू, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ व्हेन। इट्स लाइक आपका बिजनेस ऑनलाइन आना चाहिए क्या, क्वेश्चन ये नहीं आना चाहिए कि नहीं, क्वेश्चन ये कब आना चाहिए। भाई तो कैसी बात करोगे, बिजनेस ऑनलाइन ही लाओगे तो मरना ही है ना, ये सब मोबाइल पे हो रहा है, तो कॉमन सेंस ही बात होगी, अनलेस आपको कोई स्पेसिफिक बिजनेस है। तो सेकंड चीज़ आती है, अभी AI आ रहा है, तो व्हेन शुड आई गेट इन, नो शुड आई गेट इन AI और नॉट, व्हेन शुड यू गेट इन AI, दैट्स अ गुड क्वेश्चन टू आस्क, राइट। हम तो खुश हो गए भाई, मतलब वी हैव स्टार्टेड डेवलप सॉफ्टवेयर्स, वी हैव स्टार्टेड टू लर्न आवरसेल्फ्स। मैंने पूरी टीम को भी बोल दिया कि बाढ़ में जाए सब, AI पढ़ो दबा के, AI के बारे में पढ़ो, सीखो कैसे डेवलप होना है। अभी तक ऐसी किसी कंपनी का प्रोजेक्ट आपने लाइक ले लिया हो कंसल्ट करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए, मतलब लगा हो बाद में कि यार ये सच में बहुत ज़्यादा टेक्निकल या प्रॉब्लम है इसमें, उस प्रॉब्लम से कभी लग रहा हो कि आपने उसको कैसे सॉल्व किया था फिर उस एट दैट मोमेंट? ऐसा होता नहीं है, वो इसलिए होता है क्योंकि जब हम कंसल्टेंट ऐसे कंपनी में जाते हैं तो वो लोग सिंपल से वो रखते हैं कि भाई आपका प्लान क्या है। अगर आपका प्लान है मतलब आपको प्रॉब्लम पता है और आपको पता है कहाँ जाना है, अगर आपको ये पता है इसका मतलब आपने उसको समझ रखा है पूरा, तो ऐसा नहीं होता कि वहाँ पहुँचते हो एकदम से कुछ अजीब ही चीज़ हो जाती है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनी पहले से SOPs होते हैं। मैं कोई बच्चों को तो ट्रेन कर नहीं रहा हूँ, मैं बड़ी कंपनी को ट्रेन कर रहा हूँ, तो उसमें SOPs ऑलरेडी है, सिस्टम्स ऑलरेडी है, तो ऐसा कुछ अचानक से भरकच्चम कुछ ऐसा हो नहीं जाता खतरनाक सा, क्योंकि हमने प्लान और स्ट्रैटेजी पूरा किया है, सामने वाले को दिखाया, उन्होंने बोला हाँ ये चलेगा हमारे उसमें, एंड देन वी हैव ऑनबोर्डेड, और ऑनबोर्ड के बाद भी हम 7 दिन ऐसा बस देखते हैं कि हमारा कल्चर भी जम रहा है कि नहीं, मतलब मैं आपकी टीम से बात कर रहा हूँ तो उसको जमता है मेरे से बात करना कि नहीं, अगर नहीं जमता तो कोई मतलब नहीं आगे बढ़ के, मतलब हम एक दूसरे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो 7 दिन ट्रायल होता है, देन वी गो फुल फ्लेज इनटू 6 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ कंसल्टिंग। ओके, प्रायोरिटी कैसे देते हो आप अपनी कंपनी के काम को, लाइक हाउ यू मैनेज योर रिसोर्सेज और टाइमिंग्स, क्योंकि हर किसी कंपनी में सेम रिसोर्सेज नहीं होते और ये सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हैं? आई गिव प्रायोरिटी टू द फ्यूचर, नथिंग एल्स, एवरीथिंग एल्स माय CEO इज हैंडल। कंपनी में क्या हो रहा है, इसको हायर करे कि नहीं करे, ये करना चाहिए, ये टास्क पहले कि वो क्लाइंट बाद में, जो भी, दैट माय CEO इज हैंडल, आई डोंट हैंडल इट एनी मोर, आई हैव ट्रेन देम, दे नो व्हाट टू डू, व्हाट आई हैंडल ऑन इज फ्यूचर, माय प्रायोरिटी इज फ्यूचर व्हिच इज अप, क्या व्हाट नेक्स्ट। करंटली जैसा भी आपने कहा कि आपका फोकस पूरी तरीके से फ्यूचर पर है,
मान लीजिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी आ रही हैं जिसको सीखने में सच में टाइम जाना है, तो क्या इतना बड़ा आप रिस्क ले सकते हो या आप लेना चाहोगे कि आप अपनी कंपनी के की पीपल हैं क्योंकि जिन पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है, आप कहो कि नहीं अब तुमको ये चीज़ छोड़ के ये सीखना चाहिए? मेरा क्वेश्चन ये ऑप्शन है क्या, मतलब कुछ आ रहा है तुम्हें मालूम है आ रहा है, उस चीज़ में टाइम लगेगा तुम्हें ये भी मालूम है, दो चीज़ें, या तो नहीं करूँगा या करूँगा, नहीं करूँगा फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आएगी सब अडॉप्ट कर लेंगे, कोई कम करेगा कोई ज़्यादा करेगा, जो भी अडॉप्ट कर लेंगे, तुम पीछे रह जाओगे, तुम ख़त्म ही हो गए विद टाइम। तो क्या ऑप्शन बचा, ऑप्शन ये बचा ना करना ही करना ही है, अब वो टाइम लगे लगेगा क्या कर सकते हैं भाई। अब ये तो ऐसी बात हो गई, तो आपको जिम जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? और फिर मेरा मेरा पूछने का रीज़न ये है सिर्फ सबसे बड़ा कि आप समझ रहे हो कि कहाँ चीज़ें स्विच करने का मतलब होता है सीखने में, कि आप एक तरफ, ये शायद वही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला बंदा कर सकता है जो मुझे लगता है कि जिसका पैसे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट ना हो, क्योंकि आप समझ रहे हो कि कितना बड़ा रिस्क टेकिंग हो गया कि एक तरफ आप 2.5-3 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हो और आप कंपनीज कह रहे हो कि नहीं छोड़ो इस पे, चलो चल के बैठ के पढ़ाई करते हैं, इसको सीखते हैं, और आपको अभी तक ये भी श्योरिटी नहीं है कि फ्यूचर में जो चीज़ मैं इसको सीख रहा हूँ कि क्या मैं और लोगों से बेहतर सीख पाऊँगा, जल्दी सीख पाऊँगा, और जब मैं अडॉप्ट करूँगा लेके आऊँगा मेरी चीज़ चलेगी भी या नहीं चलेगी, मतलब एग्जिस्टिंग छोड़ के उस चीज़ पे, मतलब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे सोचते हो? बिजनेस इज अ गेम ऑफ रिस्क, नथिंग एल्स। अगर मैं बिजनेस में अपने कंप्यूटर से आकर मैंने ज़्यादा रिस्क लिए उनसे, सिंपल गेम। वो बोलते हैं ना कि मैंने आपसे ज़्यादा फेलियर देखा है तो मैं आपसे ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, वो फेलियर कुछ नहीं, वो रिस्क है। तो उसने ज़्यादा रिस्क लिए तो ज़्यादा फेलियर हुए, पर क्योंकि ज़्यादा रिस्क लिए तो ज़्यादा विन भी निकलेंगे ना ऑटोमेटिकली, और ज़्यादा विन निकलेंगे तो तुम आगे बढ़ गए ऑटोमेटिकली। इट्स लाइक कि मेरे को बटन प्रेस करना है, मेरा कैरेक्टर है तो एकदम आगे आएगा, एकदम पीछे जाएगा। अब लोग बटन दबाते, ओह पीछे आ गया, शिट, फिर बटन दबाया, पीछे आ गया, अरे रहने देते, यहीं रहने देते। मैं पीछे आते रहे, कोई पर नहीं, दबाते रहो, कभी ना कभी तो आगे आते जाएगा, और एक टाइम बाद वो पॉइंटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा हो जाता है कि वो धड़ आगे आते जाता है और सब देखते हैं, अरे ये तो लक है इसका, पीछे से ही आगे आ जाता है। सो इट्स लाइक मैं दबाता रहूँ, मैं पागल हूँ, दबाता रहूँगा क्योंकि वो आगे जाए। ऐसा नहीं कि भाई अभी कर रहा हूँ, मैं 40 का हो जाऊँगा, पैसा इज अ पार्ट लाइक, समझ रहे, बट वो दबाना हुआ तो आगे होगा ही नहीं है। तो इट्स लाइक कंटिन्यूस दबाते रहता हूँ मैं, तो मेरा रैबिट आगे 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 आते ही जाएगा, पीछे भी जाएगा, नो डाउट पीछे जाएगा, लेकिन अगर दबाते रहूँगा तो आगे आ जाएगा, पर अगर छोड़ दिया उसको मां तब वही अटका रहेगा, कुछ नहीं कर सकते। आजकल ना लोग, मतलब बहुत, इवन मैं भी, हम कोशिश करते हैं पॉडकास्ट में वैल्यू निकल के आए, वो कुछ ऐसी चीज़ें निकल के आए सामने, स्टार्ट कैसे किया, कुछ चीज़ें लोग फिगर आउट कर पाएँ आपकी जर्नी के थ्रू कि हमें भी करना चाहिए। एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरा आपसे, और इस क्वेश्चन के आंसर में बहुत लंबी लंबी वीडियोज़ इंटरनेट पर यूट्यूब पर भरी हुई हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप आंसर करें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर बहुत ही कम चीज़ों में, बहुत ही कम शब्दों में, और डायरेक्टली स्टेप बाय स्टेप ऑडियंस को करें ताकि वो सीधे सीधे उसको सीखना शुरू करें या फॉलो करके वो उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। माय क्वेश्चन इज सिंपल कि हाउ यू कैन बिकम अ मिलियनर बिफोर योर 30s, कैसे बन सकते हो, तो उसे ऐसी कौन सी 5 या 6 स्किल सीखनी चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए आज के टाइम पर जो आपको लगती हैं क्योंकि आप मार्केट में हैं, जिससे वो बन जाएगा? यहाँ पे 2 मिलियनियर है, एक मिलियनियर जो ज़्यादातर लोग सिखा रहे हैं वो है 10 लाख रुपए वाला आदमी, जो कि कुछ भी नहीं होता टेक्निकली, ठीक है। एक वो मिलियनियर होता है जो प्रॉपर मिलियनियर है, दैट इज़ $1 million विच इज़ 8 करोड़ रुपीज़। अगर आप मुझसे पूछते हो मुझे 8 करोड़ रुपए की नेटवर्क चाहिए, बढ़िया, 8 करोड़ की नेटवर्क मतलब ये होता है कि मैं 8 करोड़ वर्थ की चीज़ें ओन करता हूँ, तो मैं आज एक मिलियनियर पूछ सकता हूँ खुद को 8 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन, राइट। अगर आप एक जर्नी पर जाना चाहते हैं वेयर यू गेट टू $1 million which is 8 crore net worth, I think there are only 3-4 steps that you need to play for. First step, बेचना सीखो। कैसे सीखे, किताबें पढ़े, नहीं, the first thing you need to learn is learn how to sell. Go in a job where there is sales involved, and not one type of but every type of sales, objection handling, follow up, negotiations, one to many, जो हो सके, and put yourself on the risk of burning for that स्किल, मतलब जल जाओ स्किल के लिए, खत्म कर दो खुद को। वंस यू नो दैट, द सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू डेवलप विद दैट सेल्स स्किल इज अ कॉम्पिट, वॉट यू नीड टू नॉट डेवलप बट फाइंड इज अ कॉम्पिटेंट थिंग इन साइड यू विच यू विल वर्क फ्री फॉर। मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरे को प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छा लगता है, अगर मैं यहाँ पर भी बैठा हूँ तो मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करता रहूँगा, मुझे पैसे दो मत दो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता।
क्योंकि मुझे वो चीज़ ऐसी पसंद है, तो मेरा पैशन कहलाता है जो नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं। अगर मैं सेल्स और पैशन को मिला दूंगा तो मैं कभी भूखा नहीं मर सकता। तो आप सेफ इतनी लेवल पर हो जाओगे, आप पूछ नहीं सकते आप कब लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपये महीने कमाए पहुँचोगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वो चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको मज़ा आता है। तो आप रात भर जगोगे, सुबह जल्दी उठ जाओगे, प्लस आप उसको बेच भी सकते हो तो उसका पैसा ही बनता है आपको। तो जिस चीज़ में मज़ा आता है उसका पैसा ही मिलने लगे तो अलग ही लेवल हो गई। इमेजिन करिए, इंडिया में लोगों को दारू पीना बहुत पसंद है, वो दारू पीने का पैसा मिलने लगे, पागल हो जाएंगे ना लोग। मतलब सेकंड ले कि आपको खाना खाने का पैसा मिलने लगे, आप क्या करोगे, पूरे दिन खाओगे और क्या करोगे। सेमली आपको पैशन का पैसा मिलेगा तो आप पूरे दिन पागल हो जाओगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वंस यू हैव डन दैट, द थर्ड स्टेप दैट कम्स इज क्रिएटिंग अ टीम अराउंड यू वेर नाउ यू कैन गेट आउट ऑफ दैट थिंग। मतलब यू इफ यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू दैट थिंग, पर आपको ऐसा कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मैं बोर हो गया, कुछ और बड़ा करना है, देन यू कैन लीव दैट थिंग एंड द टीम कैन टेक ओवर दैट। दैट्स द थर्ड स्टेप। एंड द लास्ट स्टेप टूवर्ड्स दैट इज टू डू ऑल ऑफ दिस विद अनथिंकेबल ड्रीम इन योर माइंड। एंड अनथिंकेबल ड्रीम इज वो ड्रीम आपकी औकात के बाहर है, ये आप हो ये आपकी औकात है। अब आपका एक मन है जिसकी औकात उस जिसकी औकात ज़्यादा है, औकात से है, उस मन की एक औकात है, उसके बाहर वो भी 10 गुना एक वो अनथिंकेबल ड्रीम इज समथिंग दैट यू टू हैव। आई स्टिल रिमेंबर एट द एज ऑफ 18, अभी मेरे घर वाले पे घर पे लगा हुआ है वो, एक दीवार पे मेरे कमरे की वाइट कलर से ऐसा पेपर का टुकड़ा है, उस पर लिखा है 1 करोड़ पर डे, उस पर लिखा है 18 करोड़ में लगा दिया था मैंने। और मेरा ऐसा था कि अगर मैं 60 की उम्र पर 1 करोड़ पर मंथ भी आ गया ना भाई, तो मेरा जीवन पलट चुका है। मेरी वो औकात थिंकिंग उस टाइम वो सेट किया था, आई डोंट थिंक आई एम वेरी फार अवे फ्रॉम 1 करोड़ पर डे रेवेन्यू, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं लग रही अभी, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आज की डेट में आप कितने करोड़ की असेट्स या चीज़ें आप ओन कर रहे हो? इफ यू कैलकुलेट वैल्यूएशन, हाउसेस, गोल्ड, कैश, एवरीथिंग, आई एम रुपी बिलियनर। मतलब मेरे को इतना मालूम है लाइक 100 करोड़ के ऊपर है, 100 करोड़ के ऊपर है लाइक रुपी बिलियनर हूँ, रुपी लाइक नेटवर्थ। और ये मैंने सीए के साथ बैठ के कैलकुलेट किया, तो मेरे को ऐसा है पूरा अंदर से कि हाँ इससे ऊपर है। एक ना अब लास्ट में, क्योंकि कंसल्ट करते हो तो और कहीं ना कहीं सब आपकी इस दोस्ती का या इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी लेते हैं जहाँ पॉडकास्ट करने जाते हो, मतलब मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ पूछते सभी हैं, सो मुझे भी लगा कि मुझे भी इस चीज़ पे आपसे कुछ पूछना चाहिए ऑन कैमरा। आई थिंक इतनी देर की कॉन्वर्सेशन में आपको ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि लाइक मैं जो पॉडकास्ट कर रहा हूँ किस माइंडसेट से कर रहा हूँ, किस वैल्यू के साथ कर रहा हूँ, लोगों को क्या सीखने को मिले उनसे। सो अगर आप मेरी जगह बैठे होते तो आप इससे ऐसा क्या बिल्ड करते जिससे आपको लगता है, या बेच के जो भी आपके माइंड में आ रहा हो, कि आप पहली तो नेक्स्ट स्टेप लेके जा पाते, दूसरा आप इससे डायरेक्ट मनी अर्न कैसे कर पाते अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब? पॉडकास्टर होता, अगर मैं पॉडकास्टर होता तो व्हाट आई वुड प्ले इज ऑन हिडन कंटेंट फ्रॉम ऑडियंस दैट वाज डन आफ्टर द पॉडकास्ट। सो अगर मैं पॉडकास्टर होता, मैं 4 घंटे का पॉडकास्ट करता, 1 घंटे का नहीं, उसे टाइम मांगता भाई 4 घंटे चाहिए, तू जब बोलेगा तब करूँगा, 4 घंटे चाहिए। एंड व्हाट आई वुड डू इज आई वुड रिकॉर्ड 3 आवर्स एज अ सीक्रेट वीडियो एंड 1 आवर एज अ फ्रंट एंड वीडियो जो यूट्यूब इंस्टाग्राम पे क्लिप वगैरह सब में जाएगा, एंड द अपर पार्ट वुड बी मोर जनरलाइज कंटेंट जिससे वो मास अपील हो। अब मैं सिंपल से उसमें क्वेश्चन पूछूंगा कि यार आपने सेल्स कैसे सीखी, या ये 7 स्टेप्स थी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब वो एक को समझा रहा है, 2 को समझा रहा है, फिर रुक जाए क्योंकि वो बोरिंग हो जाएगा ऑडियंस के लिए, क्योंकि ऑडियंस को तो मज़ा चाहिए इंटरनेट पे, राइट। अभी भी इसमें अगर मैं डीप चले जाऊँ टेक्निकल में तो वॉच टाइम गिर जाएगा इस वीडियो का, ये हमें ही पता, आपको भी पता है, राइट। तो लोगों को सरफेस जनरलाइज कंटेंट चाहिए, वरना वो बोर हो जाते बहुत जल्दी। अब ऐसा नहीं कि उसकी ऑडियंस है ही नहीं भाई, 3 घंटे की मूवी देखते हैं लोग, बट वो छोटी ऑडियंस है, राइट। अगर आपको व्यूज एंड लाइक्स चाहिए तो जनरलाइज कॉन्टेंट पर खेलना पड़ता है। मैं होता तो मैं 1 घंटे का फ्रंट एंड कॉन्टेंट खेलता, उसमें से क्लिप्स वगैरह निकाल के सब जगह डालो, राइट। पीछे मैं बैक एंड कॉन्टेंट खेलता जो सब्सक्रिप्शन भी चलता, मेरे हर महीने 4 पॉडकास्ट आते हैं, अगले 4 हिस्से होने वाले हैं, अगले 4 ये 1 घंटा आपने देख चुका है। अगर आपको डिटेल में सीखना है विच इज़ लाइक वो बाकी के साथ सीक्रेट्स, ये जो बुक इनने बोली, या ये और सेट ऑफ क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर रहा हूँ कि यार ये 20 क्वेश्चन तो होंगे प्लस मोर नॉलेज, 3 आर इज हिडन एंड नोबडी कैन सी दैट, यू टू पे सब्सक्रिप्शन फीस ऑफ लेट्स 200 a month समथिंग एंड यू नीड टू पे इन ऑर्डर टू सब्सक्राइब टू दिस, विच विल गिव यू रियल फैंस फर्स्ट ऑफ ऑल, विल गिव यू मनी फॉर द वर्क दैट यू डूइंग, विल गिव यू लॉन्गर टाइम विद द होस्ट, तो आपका फायदा हो रहा है। एंड लास्ट थिंग इज यू बिल्ड अ कल्ट ऑफ पॉडकास्ट, बिकॉज इट्स लाइक
मैं उसका वॉचर नहीं हूँ, मैं उसका बायर हूँ। सो जैसे आपने सुना होगा मैं उसका सब्सक्राइबर नहीं, मेंबर हूँ, राइट। मैं उसका फॉलोअर नहीं, मैं उसका क्लोज फ्रेंड हूँ। फ़र्क है उसमें। यहाँ पर पॉडकास्ट में वो क्रिएट ही नहीं हुआ है बैरियर। TRS देखते हो देखता हूँ, A2 देखते हो देखता हूँ, मैं मेंबर हूँ। बिकॉज इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ स्टेटस सिंबल, एंड यू कैन सेल दैट, दैट बिकम्स अ ह्यूज लेवरेज, राइट। तो अगर आपने 100 लोग भी 200 पर जोड़ लिए, राइट, वर्स्ट केस सिनेरियो, दैट इज स्टिल 20,000 अ मंथ दैट यू मेकिंग माय पॉडकास्ट, दैट इज योर ऑडियंस गिविंग यू मनी, राइट, एट लो टिकट, एट वेरी स्मॉल नंबर। अगर वो 1,000 लोग जोड़ लिए, दैट्स 2 लाख। और ये पॉडकास्ट आप YouTube पर ही डालते हैं प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में? ना ना ना, LMS पे प्रॉपर, अलग, हिडन कॉन्टेंट, सीक्रेटिव, नोबडी कैन एक्सेस। LMS पर अलग से एकदम गायब कॉन्टेंट, कि आप मेरे मेंबर हो तो आपको ये कॉन्टेंट का एक्सेस मिलता है, वरना नहीं मिलने वाला है। कोई चुरा नहीं सकता उस कॉन्टेंट को, OBS रिकॉर्डिंग्स पे बंद करवा दो, लाइक टेक ऑल द प्रिकॉशन, बट दिस कॉन्टेंट इज सीक्रेटिव। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसके अनुभव के साथ पॉडकास्ट किया, राइट, अगर आपको भी फ्रेंचाइजी खोलनी है, पूरा पॉडकास्ट हुआ, अगर आपको भी फ्रेंचाइजी खोलनी है दोस्तों, मैंने अनुभव के साथ एक 3 घंटे का इसी के आगे रिकॉर्ड किया था पूरा, जो मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, जिसमें उन्होंने एक्जैक्टली बताया कि फ्रेंचाइजी एक्जैक्टली कैसे खोली जाती है, आपका बिजनेस कैसे बिल्ड करोगे, एक रिटेल चेन कैसे पूरी चालू करोगे आप फूड बिजनेस की। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, क्लिक द लिंक बिलो, 200 रुपये पर मंथ सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि वो इंसान 1 घंटे की वैल्यू ले चुका है, तो 200 रुपये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो ऐसे दे देगा। सो यू बिल्ड अ बिग ऑडियंस भाई। ये तुम्हारे हाथ में ये हाथ है तुम्हारा, ये तुम्हारा झोला है, मान लो इसमें पैसे दिए मैंने, सिक्के डाले, ये भर गया। अब ये सारे सिक्के कैलकुलेट के 100 रुपये होते हैं, लेट से 10-10 के सिक्के थे, सामने आ रहा है एक 2,000 का नोट लेके, वो भी एक नोट नहीं गड्डी लेके, 2,000 की, 2 लाख रुपये। अब मैं ऐसा हूँ कि एक काम को इसके ऊपर रख दो, वो रखेगा क्या होगा, गिर जाएंगी गड्डी, फिर रखेगा फिर गिर जाएगी। आपको ये 100 रुपये फेंकने पड़ेंगे, और फिर वो अच्छे हाथ से, नए हाथ से 2 लाख की गड्डी लेनी पड़ेगी, फिर कोई एक बार 20 लाख की गड्डी लेके आएगा, तो ये 2 लाख की गड्डी भी फेंकनी पड़ेगी। प्रॉब्लम ये होती है, क्योंकि इंडिया एक स्केर्स कंट्री है। स्केर्स कंट्री मतलब ये कि हमने बचपन से रिसोर्स नहीं देखे। 1947 हमारा जब देश आज़ाद हुआ, जो भी हुआ, हम गरीबी में जिए, लाइक इट वॉज नॉट ग्रोन एट अ फास्ट पेस दैट US इज, सो वी डोंट हैव अ अबंडेंट माइंडसेट, वी हैव अ स्केर्स माइंडसेट, ये बचा लो वो बचा लो। आप देखोगे कि ट्रेन में लोग रुमाल रख के चले जाएंगे, आप देखोगे कि लोग ना पानी की बॉटल में इतना पानी बचा उसको बचा के रख लेंगे, पानी की बॉटल खाली कर ले जाएगी कि इसको भर के फ्रिज में रखूंगा। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको स्केर्स माइंडसेट बना देती है अंदर से, जैसे कि आप मेरे को देखोगे मैं वैसा नहीं हूँ, लाइक मेरा अपने ना लगे भाई, यूज़ करो खत्म करो, राइट। जैसे हम अंदर बैठे थे, वो AC अभी भी चल रहा है, ठीक है, वो रूम का, बट एक कोई नॉर्मल होगा तो अरे वो AC बंद करके आता हूँ, वो लाइट बंद करके, मैं वो नहीं, इट्स बिकॉज आई एम नॉट स्केर्स, राइट। मेरा ऐसा होता है कि, बट अब लोग बोलेंगे अरे तुम तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हो, भाई मान लिया, बट ये कंफर्ट के कारण मैं कुछ डिसीजन लूँगा, जिससे $5 मिलियन कमाऊंगा और $2 मिलियन की चैरिटी करूँगा और सोलर पैनल लगाऊंगा और वो जीवन भर इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये इसी ज़्यादा है। तो मेरा दिमाग ऐसा चलता है कि इतना बड़ा करो, इतना ही छोटा बचाना नहीं है मुझे, इतना बड़ा कमाना है, राइट। तो मेरा ऐसा है कि 100 रुपये छोड़ूंगा तो 2 लाख की गड्डी आएगी, सिंपल सी बात। मुझे लगता है कि जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं ना, उन्हें हर चीज़ से प्रॉब्लम होती है। लाइक जिन लोगों ने आपका पॉडकास्ट देखा, उनमें से एक मैं भी था, मैं भी नहीं जानता था वो इस हिमांशु अग्रवाल क्या करते हैं, कैसे करते हैं। उनमें से वो लोग भी थे जो गालियां दे रहे थे कि अरे इतना पैसा है तो दिखा क्यों रहे। मैं इतनी दूर से यहाँ पर चल के आया कि मुझे लगता है कुछ वैल्यू मिलेगी, कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये सारा मुझे लगता है ना कि माइंडसेट का खेल है। जिसे सीखना है ना, वो एक छोटे आदमी से भी कुछ ना कुछ वहाँ से निकाल लेता है अपने मतलब का कंटेंट, कि मेरे लिए यहाँ से क्या सीखने वाली चीज़ है। और जिसे नहीं कुछ करना, उसे हर जगह लूप होल सी दिखाई देते हैं। अब लोग बोलेंगे प्रभात लकी है भाई, वो उसको हिमांशु के साथ पॉडकास्ट मिल गया। लकी नहीं है भाई, उसने वही पॉडकास्ट देखा, तुमने वही पॉडकास्ट देखा। प्रभात ने बोला यार एक मैसेज डाल के देखता हूँ, राइट। तुमने भी चलो डाला होगा, पर तुमने ऐसा डाल दिया हेलो पॉडकास्ट करना है। प्रभात ने एक अच्छा बड़ा मैसेज डाला कि यार मैंने ये समझा, ये करना है, मेरा ये प्लान है, आप कुछ कर सकते हो क्या। मैंने अपने EA का नंबर दिया, प्रभात उससे कोऑर्डिनेट करके आ गया। लक नहीं है भाई, उसने कंसिस्टेंसी हार्डवर्क सब दिखाया, तो आप प्रभात पॉडकास्ट ले रहा है। दूसरा वहाँ पे रो रहा था, ये तो स्कैमर है, ये तो झूठ बोलता है। क्या हुआ था इस जिंदगी में, क्या फ़र्क आया कुछ? अच्छा मैं एक चीज़ समझता हूँ, मैं आज मतलब शायद मैं पहली बार इस तरीके से बोल रहा हूँ, मैं लोगों को बोलता हूँ। अभी मेरे किसी फ्रेंड ने, वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो जब मैं उनके साथ बैठ के बात कर रहा था तो उनको मैं अपने साथ लेके गया, और जो हमारा कॉन्वर्सेशन हुआ, जैसे मैं अभी हम लोग, जैसे मैंने मान लीजिए हम लोग नाश्ता आप प्रिपेयर कर रहे थे, मैंने कहा चलो मैं हेल्प कर देता हूँ। तो ये मेरी हैबिट है, मतलब कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो मैं बोल देता हूँ कि लाइक उस पर समय नहीं कि लाओ मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत।
तो मुझसे वो बंदा मेरा फ्रेंड बाहर निकल के बोलता है जब मैं था ऑटो में कि इस आदमी से बच के रहना, दूर रह के ये तुम्हारा इस्तेमाल करेगा, ये वैसा है नहीं। तो मैं पहले चुप हो गया थोड़ी देर, फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा मुझे नहीं पता यूज़ करेगा नहीं करेगा, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि अगर तुम अंबानी से धोखा खाओगे ना फिर भी कहीं ना कहीं पहुँचोगे। तो मैं उस माइंडसेट के साथ ही नहीं आ रहा हूँ कि आपको इनसे क्या चाहिए क्या नहीं। तो कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है कि यार नहीं ये मैं कैसे कर सकता हूँ या ये कैसे हो गया, इसको कैसे फॉलो करें। तो लोगों को चीज़ें ना आपको देखने के बाद, मैं हर किसी का बता रहा हूँ, अब लोगों को ये तो दिख रहा है कि हिमांशु आज लाइक आपने कह दिया बड़ी आसानी से हाँ कि मैंने कैलकुलेट किया 100 करोड़ से ऊपर का टर्न, ये नहीं दिख रहा कि कितना टाइम दिया, कितना कंसिस्टेंट। और मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट लगता, आई थिंक जो बहुत कम यूट्यूबर्स बात करते हैं इस चीज़ पे, कंसिस्टेंट इट्स नॉट ओनली योर हार्ड वर्क, आप मेंटली भी तो दिन रात उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, आपने उसमें भी तो कंसिस्टेंटली ब्रेक नहीं किया, आप किसी और चीज़ के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हो, आप अपने काम के अलावा, आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हो, आप अपने अदर चीज़ों के बारे में भी नहीं सोच पा रहे हो। तो मुझे लगता है कि वो कंसिस्टेंसी जो आपके माइंड की वो आपको वहाँ पर पहुँचा देती है कहीं ना कहीं। तो मैं उसी पर्पज़ से चाहता हूँ कि एक स्पेशल जो आपको लगता हो, मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइड्स होती हैं, बहुत से लोग होते हैं जो आपके बोलने का वेट करते हैं, तो उनके लिए कि आपको क्या लगता है कि बेस्ट एडवाइस जो आपने अब तक किसी भी शो पे ना दी हो और आपको लगता हो कि उन्हें यही है तो फॉलो करना चाहिए। किसी शो पे ना दी हो, कुछ ऐसे रूल्स जो आपने अपनी लाइफ में फॉलो किए हो, जैसे कुछ पनिशमेंट्स लोग फॉलो करते हैं। व्हाटएवर यू क्रिएट अ जजमेंट ऑन विल नॉट कम टू यू। एग्जांपल, किसी ने बोला मैं अमीर, तो तू तो अमीर बाप की औलाद होगा तभी तो अमीर है, तुम्हें जज कर लिया, वो चीज़ तुम्हारा कभी नहीं आने वाली, तुम अमीर नहीं बनने वाले। क्यों? क्योंकि तुमने उस चीज़ के रिगार्डिंग एक नेगेटिव एसोसिएशन क्रिएट कर दी। राइट। अब इसको एक सिंपल एग्जाम्पल समझाता हूँ, अपन दोनों है, एक कोई तीसरा आदमी, ठीक है, वो तीसरा आदमी मुझे पसंद नहीं, तो मैं क्या उसको गाली बकता हूँ, ये सब करता हूँ तुम्हारे सामने, क्या उसको एक एनर्जी फील होती होगी कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं करता? करेक्ट। अगर उस इंसान को एनर्जी फील होती होगी तो क्या वो इंसान मेरे घर कभी आने वाला है? तुम्हारे घर जाने वाला है, पर अगर तुम भी मेरी बात सुन के बोलोगे कि हाँ हाँ ये तो ख़राब है, तो तुम्हारे घर भी नहीं आने वाला है। तो जिस चीज़ को तुम दूर से देखे बोलते हो अरे अरे क्या है। अभी मुकेश अंबानी का शायद ऐसा कुछ आया था कि उसका बिजली का बिल 70 लाख रुपये, लोग अरे 70 लाख का बिल है, गरीबों में बांट दे, ये कर दे वो कर दे ये कर दे, तुम्हारा कभी नहीं पहुँचने वाला, क्योंकि तुमने उस चीज़ के अराउंड एक नेगेटिव चीज़ क्रिएट कर दी। मैं तो चाहता हूँ मेरे बिजली का बिल 70 लाख रुपए है, इससे कुछ समझ में आता है मेरे को मेरे जीवन के बारे में कि मैं कुछ अरबों करोड़ों में कमा रहा हूँ तभी मैं 70 लाख पे कर पा रहा हूँ। राइट। जिस चीज़ के रिगार्डिंग हम नेगेटिव कन्फ्रंटेशन क्रिएट कर दोगे वो चीज़ आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि इट्स अ गेम ऑफ एनर्जीज, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी तुमने बहुत कम कर ली और उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी यहाँ थी। अब पैसे की फ्रीक्वेंसी ये, मेरी ये फ्रीक्वेंसी है, मैच नहीं हो रही, आई नहीं, तुम्हें अपनी फ्रीक्वेंसी में ले जानी पड़ेगी जहाँ पैसे की फ्रीक्वेंसी है। Right. तो वो चीज़ तुम्हारे जीवन में आएगी, क्योंकि एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसीज एंड वेव्स, नथिंग एल्स। एक्चुअली ये चीज़ जब मैं 12th में था तो सर ने भी बोली थी, मेरे इंग्लिश के जो टीचर थे मुझे आज तक याद है, और सेम चीज़ आज आपने बोली है, बोले कि एक्चुअली में आप किसी पर्सन से जेलस फील नहीं करते हो, कभी किसी पर्सन से नहीं करते, उसके पास जो एसेट है ना, जो चीज़ें हैं, आप उनसे जेलस फील कर रहे हो। और ये कॉमन सा रूल है, अगर आप किसी इंसान से जलोगे या पसंद नहीं करोगे तो वो आपके पास क्यों आएगा? तो लाइक वो एनर्जी वाली चीज़ जो भी आपने बोली, जब आपने पहले ही उसके अराउंड एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जीज बना दी, तो वो आपके पास वैसे ही नहीं आने वाली।